नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। आइए जानते हैं कैबिनेट के कुछ अहम फैसले। भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए ले सकेंगे कर्मचारी। 7.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर किया गया 15 लाख। जल शक्ति विभाग में 320 पद पैरा वर्करों के भरने का लाया गया प्रस्ताव। कर्मचारियों और पेंशनरों को अगले महीने सितंबर में किया जाएगा एरियर की पहली किस्त का भुगतान। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। HBA की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए तक के नए निर्माण या नए घर एवं फ्लैट की खरीद और राशि चुकाने की क्षमता की शर्त लागू रहेगी। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया। वहीं अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी तक कम से कम 6 लोग लापता है और 12 लोग घायल हो गए हैं। हिम केयर योजना को लेकर बड़ा फैसला। बैठक में मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के तहत 392 लाभार्थी परिवारों को 2 वर्ष की प्रीमियम राशि को वापस करने और 4,484 लाभार्थी परिवारों के कार्ड की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग में आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राज्य में आबकारी प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए 16 निरीक्षण वाहनों को किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला के शिक्षा खंड सराज द्वितीय के ग्राम सेदियार में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लाहौल स्पीति जिले के काजा तथा शिमला जिले के ज्योरी में राजकीय महाविद्यालय बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई। सोलन जिले के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पक्ष में अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान कैबिनेट के सदस्यों ने प्रदेश में सीमेंट की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए उद्योग और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशकों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को स्थिति का जायजा लेने तथा 3 दिन के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कर्मचारियों व पेंशनरों को एरियर की पहली किस्त अगले माह यानी कि सितंबर माह में दी जाएगी। ये फैसला भी कैबिनेट द्वारा लिया गया है। लेकिन ये किस्त कितनी होगी और किस प्रकार से कर्मचारियों व पेंशनरों को दी जाएगी, इस बारे में अधिसूचना के आने पर ही पता चल पाएगा।